Hey students, welcome back once again to a very own channel that is Mazonit Pratyush. So finally we are back with a new educational content. But today I am not going to study anything because there are 5 days left. Today is 23 and from 27th onwards your board examination will be started for class 10 students. So बस मैंने बहुत देखा कि सब कोई अपना अपना स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, बट मैं कुछ स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसा पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम को अच्छे से देने के लिए, क्योंकि टर्म टू जो है आप लोगों का प्योरली सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर. टर्म वन में आपका क्या होता था, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर, तो उसका स्ट्रैटेजी अलग रहता था. सब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रैटेजी अलग रहेगा. तो स्ट्रैटेजी जो भी बताना था हम बहुत पहले से डिस्कस करके रखें, बट ये जो लास्ट का 5 दिन रहता है ये बहुत ही एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है आप लोगों का एग्जाम को बूस्टअप करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट को बूस्टअप करने के लिए एग्जाम के लिए. तो पहली बात, पहला पेपर आपका इंग्लिश है. सो आई होप जितने भी क्लास 10 के बच्चे ये वाला वीडियो देख रहे होंगे सबका इंग्लिश का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया होगा. 20 कुछ बच्चों का 20 से, कुछ बच्चों का 21 से, कुछ बच्चों का 22 से, और कुछ बच्चे आज से स्टार्ट किए होंगे. तो आज से अगर काउंटडाउन स्टार्ट करें तो 23, 24, 25, 26 यू हैव 4 days एंड 27th को आप लोग एग्जाम देना है. तो ऑब्वियसली 26 के रात तक आपको जितना पढ़ना है आराम से रेस्ट ले जाना है, और 27th सुबह को जाके आपको एग्जाम देना है. तो टर्म टू आप लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप लोग अपने स्कूल में एग्जाम नहीं दे रहे हो. सीबीएसई ने पहले से ही सर्कुलर में बोल के रखा है कि अपने स्कूल में बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते. तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि पहले तो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम आप दे रहे हैं, और दूसरी बात आप लोग अपने स्कूल में भी नहीं दे रहे, एंड तीसरी बात आपको अलग स्कूल में जाके एग्जाम देना पड़ रहा है. तो ऑब्वियसली एक जो खुद के स्कूल में एग्जाम देने से क्या होता है ना, स्कूल एनवायरनमेंट से आप लोग फैमिलियर रहते हो, टीचर से आप लोग फैमिलियर रहते हो, तो वो नर्वसनेस नहीं आता. और पहली बार आप लोग मतलब 10 साल के मतलब ये जो जर्नी था उसमें पहली बार आप ऐसा हो रहा है कि कोई एक एनुअल एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम है और वो आप अपने स्कूल में नहीं दे रहे हो, वो तो पहली बात. और पहला एग्जाम आपका इंग्लिश है, मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश पेपर में नर्वसनेस थोड़ा सा ज़्यादा आपका रहेगा क्योंकि पहली बार आप लोग और कोई स्कूल में जाके दे रहे हो, और वहाँ पे आपके टीचर्स भी आपके सामने नहीं रहेंगे, दूसरे स्कूल के टीचर रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो नर्वसनेस पहला दिन क्योंकि एग्जाम में वो रहता है. बट नर्वस होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप नर्वस होंगे उतना आपका एग्जाम में वो इम्पैक्ट गिरा सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है. तो बस कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि इंग्लिश पेपर है, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों का टर्म वन में हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स था, तो ऑब्वियसली वहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस पूरा कम हो गया था. फिर बीच में पैंडेमिक चला तो वहाँ पर भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ. तो ऑब्वियसली ये जो 3-4 महीना आपको मिला होगा, आई होप आप लोग उसमें राइटिंग प्रैक्टिस किए होंगे. कुछ बच्चे नहीं भी किए थे, बट अभी भी टाइम है. ये वाला जो ये 5 दिन बचा है इसमें आप और कोई सब्जेक्ट को ना पकड़ के काइंडली इंग्लिश में फोकस करेंगे तो और अच्छा रहेगा. और जितना टाइम आप पढ़ रहे हो अभी एक रूटीन लाइफ में पढ़ाई करो. बहुत दिन से बोला जा रहा है बट आप लोग फॉलो कर रहे हो कि नहीं वो तो पता नहीं, बट अभी जो 5 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, उसको एक रूटीन लाइफ फॉलो करो, और उसमें इंग्लिश का जो जो पोर्शन है उसको पहले डिवाइड कर दो कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, आज लेटर राइटिंग पढ़ना है, कल ऐसे करना है, कल लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन करना है, कल और कुछ करना है. तो उसको डिवाइड कर दो टाइम लिमिट में, और वही टाइम लिमिट के अंदर एटलीस्ट ये जो एग्जाम के टाइमिंग में उसको थोड़ा रूटीन लाइफ को करो, और ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली जो पढ़े हैं अभी और कुछ नया पढ़ने का कोशिश मत करना कि जो हो गया है वो हो गया, और नया पढ़ के आप लोग अगर नया पढ़ोगे तो जो प्रीवियस आप लोग पढ़े भी होगे वो भी आप लोग का धीरे धीरे स्किप आउट होता चला रहेगा. तो जो भी पढ़े उसी को बार बार रिवाइज करेंगे. सैंपल पेपर अगर है आपके पास तो 2-3 सैंपल पेपर को टाइम लिमिट के अंदर ट्राई करो कि हम कितना टाइम में कर पा रहे, और अगर सैंपल पेपर टाइम में आप लोग नहीं कर पा रहे तो कहां कहां कौन सा पोर्शन में आप लोग नहीं कर पा रहे उसको थोड़ा सा ध्यान दो, और उसी में थोड़ा सा 1-2 दिन उसमें फोकस करो. ठीक है, रही बात दूसरे सेंटर में जाके एग्जाम देने का, तो ऑब्वियसली एडमिट कार्ड आप लोग का आ गया होगा, और एडमिट कार्ड में आपका रेस्पेक्टिव सेंटर्स आपका लिख दिया गया होगा. तो कोई भी बच्चा अपने स्कूल में एग्जाम नहीं दे सकता अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सर्कुलर, तो ऑब्वियसली आप लोग को बाहर स्कूल में जाना पड़ेगा. तो वो नर्वसनेस पहला एग्जाम में रहता है, सब बच्चों का रहता है, तो वो नर्वसनेस ना रखने के लिए मैं सोचा कि थोड़ा आ जाऊँ आप लोग को थोड़ा सा गाइड करने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को करता हूँ. एंड ज़्यादा इसलिए बस वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल एंड कूल में आपको जाना है, क्योंकि ये आपका अंतिम एग्जाम नहीं है, ये आपका लास्ट एग्जाम नहीं है लाइफ का, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन यू कैन से, कि जिसमें कि आपको उसको पार करके नेक्स्ट आपका जर्नी को और सुनहरा बनाना है. एंड आई होप जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं मैथ जोन में, जितने जो बच्चे जुड़े नहीं भी हुए हैं, सब बच्चों को क्लास 10 का ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. तो ये स्ट्रैटेजी कुछ नहीं था, कुछ पॉइंट्स था जो कि मुझे डिस्कस करना था, और थोड़ा सा एक रहता है ना कि लास्ट टाइम में थोड़ा सा हमको एक बूस्टअप चाहिए होता है, कॉन्फिडेंट चाहिए होता है जो कि हम लैक करते हैं, और जिसके वजह से नर्वसनेस थोड़ा रहता है. तो वही बात मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नर्वस होने का टोटली जरूरत नहीं है,
जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, इंग्लिश पेपर है, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, मार्जिन वगैरह अच्छे से छोड़ेंगे क्योंकि सीबीएसई ऑलमोस्ट आपको बहुत सारा पेजेस देता है, 48 पेजेस का वो देता है, तो अभी मार्क कम कर दिया है तो मे बी 24, 25 और 30 पेजेस का वो पेज देगा लिखने के लिए, एडिशनल भी प्रोवाइड करता है, तो कंजूसी नहीं करेंगे, अपने कॉपी में नहीं लिख रहे तो कंजूसी करके कॉपी को बचाएंगे, पूरा अच्छे से लिखेंगे, हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छे से करेंगे क्योंकि हैंडराइटिंग में थोड़ा सा इंप्रेशन मार्किंग बढ़ता है, मार्जिन अच्छे से छोड़ेंगे और नंबरिंग जो कर रहे हैं उसको प्रॉपर नंबरिंग करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं नंबरिंग में वो लोग गलती कर देते हैं, नंबरिंग नहीं लिखते या फिर छोटा सा लिख देते हैं जिसमें से कि जो भी टीचर चेक करते हैं उनको पता नहीं चलता कि कौन सा नंबर वो लिखा है बच्चा, तो उसमें मार्क कट जाता है, तो ये छोटा छोटा चीज जो होता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जैसे कि एडमिट कार्ड में आपको सब कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि कैसे क्या लेना है, ट्रांसपेरेंट सब कुछ रहना चाहिए, चाहे वो पाउच हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो वाटर बॉटल हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट का रहना चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो मे बी वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, और अगर वही एग्जाम टाइम में वो लोग अलाउ नहीं करेंगे तो वो फिर से एक प्रेशर आ जाएगा। तो जो जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया है एडमिट कार्ड में उसको अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हो, गाइड करने के लिए जो भी आपको टीचर गाइड कर रहे हैं उनको पूछ सकते हो या फिर हमारे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो ताकि मैं उसका रिप्लाई दे दूं बहुत जल्दी। तो बस वही था कि लास्ट जो ये 5 दिन ये 4 दिन हैं आपके पास, इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, पहले इंग्लिश है फिर आपका रेस्पेक्टिव पेपर से, उसका क्या स्ट्रेटेजीज वगैरह रहेगा मैं बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूंगा। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, 5 मिनट भी आप लोगों के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं बैठा था तो मैं सोचा कि नहीं थोड़ा सा उनको थोड़ा सा बूस्टअप दिया जाए ताकि जो भी एक फ्लो चल रहा है, जो नर्वसनेस एक रह जाता है, जो कि लास्ट टाइम में हमको थोड़ा डर लगने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं, हमारा तो नहीं हो रहा, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, अगर वहाँ पे कुछ नहीं आए तो क्या करेंगे, तो इतना सोचने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पढ़े हो थ्रू आउट द ईयर तो ऑब्वियसली आप लोगों को सब कुछ आएगा, बस रिवीजन को अगर हम टाइम बेसिस में करेंगे थोड़ा सा टाइम लिमिट को, क्योंकि अभी टोटल टाइम आप घर में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई का जो एक रहता है फ्लो वो टूटना नहीं चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए आप थोड़ा सा टीवी भी देखो, मोबाइल भी पकड़ो, बट जितना टाइम चाहिए उतना टाइम को थोड़ा सा एंटरटेन करके बाकी टाइम पढ़ाई में दो, क्योंकि अभी ही टाइम है जिसमें कि आप लोग ये कुछ दिन अगर मेहनत कर लेंगे 20-25 दिन तो आप लोगों का जो नेक्स्ट जर्नी होगा वो बहुत ही अच्छे से जाएगा। और जैसे कि आपको पता है हम पहले से थे, अभी भी हैं और आगे में भी आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट द जर्नी, तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कहीं पे भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपका रह जा रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे, में सब कुछ आप लोग बता सकते हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। बस 8 मिनट हो गया ऑलरेडी और टाइम आप लोगों का मैं नहीं लेना चाहता, बस पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, नर्वस नहीं होइए और टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर होइए। कुछ एक छोटा सा वीडियो, एक सरप्राइज वीडियो में मैं जस्ट 2 दिन पहले आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें कि और थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बट अभी के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करके खुद का रिविजन को ज्यादा स्ट्रांग कीजिए और सैंपल पेपर 2-3-4 एक्स्ट्रा थोड़ा सा करके जाइएगा ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए कि कौन सा पैटर्न में आ रहा है क्वेश्चन, और ज्यादा सिली मिस्टेक में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हैंडराइटिंग को अच्छा सा, क्योंकि इंग्लिश पेपर है तो हैंडराइटिंग अगर अच्छा रहेगा तो इंप्रेशन मार्किंग वहां पर रहता है, मार्जिन वगैरह देखेंगे, जो नंबरिंग वगैरह का भी ध्यान रखेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा गया एडमिट कार्ड में उसी को फॉलो करके आप लोग एग्जाम को देने जाएंगे, ठीक है। हम लोग रहेंगे वहां पे, जो भी सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव टीचर है वहां पे आप लोग को विज करने के लिए रहेंगे, बट फिर भी मैं सोचा कि अभी इस थ्रू में कर देंगे तो और थोड़ा सा मोटिवेट आप लोग हो जाओगे, गाइडेंस मिल जाएगा और आप लोग को फ्लू जो थोड़ा सा कम हो गया था ग्राफ वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को हेल्प किया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास 10 बच्चों को थोड़ा सा शेयर कर देंगे ताकि कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा ये वाला वीडियो देख के उनको थोड़ा सा नर्वसनेस से छुटकारा मिलेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, नर्वसनेस नहीं होंगे और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो यही था मेरा स्ट्रेटेजी या फिर टिप्स कुछ नेक्स्ट एग्जाम के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट और यूजफुल कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय जगन्नाथ।